बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द किचन बिस्ट्रो। आज हम द किचन बिस्ट्रो में इफ्तार स्पेशल कटोरी चाट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम कटोरी तैयार करते हैं। कटोरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, ऑल पर्पज़ फ्लावर, 1 टेबल स्पून ऑयल चाहिए, 1/2 टीस्पून हमें सॉल्ट चाहिए और हसबे ज़रूरत हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक बॉल लेंगे, उसके अंदर मैदा ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। डो तैयार है, अब हम इसको 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। 10 मिनट के लिए हमने डो को कवर कर दिया था, डो सेट हो गई है। अब हम डो का एक पेड़ा बनाएंगे। ये हमने डो का एक पेड़ा बना लिया। अब हम इसकी रोटी बनाएंगे। थोड़ा सा हम मैदा डस्ट करेंगे और इसके एजिस को इस तरह से प्रेस करेंगे। किनारे हमने बारीक कर लिए हैं और अब हम रोटी को बेल लेंगे। रोटी को हमने बेल लिया है। अब हम कटोरी बनाने के लिए कोई सी भी राउंड चीज़ लेंगे, आप कटोरी भी ले सकते हैं। मेरे पास पवा है तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। और इस तरह से हम डो को इसके ऊपर लगा लेंगे, इसको हम प्रेस करेंगे। ये देखें, इसको हमने चारों साइड से प्रेस कर लिया है। और अब हम फोर्क से इसको इस तरह से प्रिक करेंगे। ये हमने फोर्क से इसको प्रिक कर लिया है। अब हम नाइफ से इसके एजेस को काट लेंगे। और इसका हम दोबारा पेड़ा बना लेंगे। ये देखें, हमारी कटोरी बन गई है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। अब हमने एक पैन में ऑयल लिया है और ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म करना है। ऑयल में बबलिंग बनना स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब है ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। और अब हम कटोरी को फ्राई करेंगे। हमने इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई करना है। हमने इसके एजेस को भी अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब इसके एजेस फ्राई हो जाएंगे तो खुद ही सेपरेट हो जाएगी। ये देखें, इसके एजेस सेपरेट होना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसको सेंटर से भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखें, कटोरी हमारी चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गई है। इसको हम साइड पे रखेंगे और इसी तरह से बाकी ही कटोरियाँ बना लेंगे। अब हम दोबारा से एक पेड़ा लेंगे, मैदा डस्ट करेंगे, इस पेड़ों को एजेस से प्रेस करेंगे और इसकी भी रोटी बना लेंगे। हमने इसको रोटी के साइज का बेल लिया है। अब हम फोक से इसे इस तरह से प्रिक करेंगे, निशान लगा लेंगे। ये निशान हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी रोटी फूले ना। हमने रोटी पर अच्छी तरह से निशान लगा लिए। अब हम दोबारा पलटा लेंगे या कोई भी आप राउंड चीज़ ले सकते हैं और इस तरह से उसको प्रेस करेंगे चारों साइडों से। और अब हम इसके जो ऊपर एक्स्ट्रा है इसको काट लेंगे नाइफ से। ये देखें, कटोरी तैयार है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब हम दूसरी कटोरी को फ्राई करेंगे और फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है।
इसके एजेस पे हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये देखें ये साइड से सेपरेट हो रही है और ये खुद ही सेपरेट हो गई है। ये देखें ये चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। ये देखें हमारी दो कटोरियां बन गई हैं। इसी तरह से हम बाकी कटोरी बना लेंगे। ये देखें कटोरियां हमारी तैयार हैं, इनको मैंने फ्राई कर लिया है, कितनी ज़बरदस्त बनी है। इनको हम साइड में रखते हैं। चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चिक पीस लिए हैं, बॉयल चने 1 कप, एक अदद मैंने टमाटर लिया है टमाटो, और उसके मैंने बीज निकाल के बारीक काट लिए। 2 मैंने बॉयल पोटैटो लिए हैं और उनको इस तरह से काट लिया। 1 आनियन चाहिए और इसको मैंने इस तरह से ऑमलेट कट काटा है। प्लम चटनी, आलू बुखारे की चटनी, इसकी आप रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। 1/2 कप योगर्ट चाहिए, दही, इमली की चटनी, इसकी भी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ये आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक अटैच कर दूँगी। 1 टेबल स्पून सबज चटनी, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी। 1 टीस्पून रॉक सॉल्ट काला नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, मैं शान का चना चाट मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, पिसा हुआ जीरा। सबसे पहले मैं आलू ऐड कर रही हूँ। अब हम चिक पीस ऐड करेंगे, बॉयल चने। बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। अब हम दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद हम धनिए की और सब्ज मिर्चों की चटनी ऐड करेंगे। स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। अब हम थोड़ा सा इसमें काला नमक ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करेंगे। आलू बुखारे की चटनी ऐड करेंगे। इमली की चटनी ऐड करेंगे। थोड़े से प्याज और ऐड करेंगे इनके ऊपर। टमाटर ऐड करेंगे। दोबारा से हम दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद सब्ज़ चटनी ऐड करेंगे। आलू बुखारे की चटनी, इमली की चटनी, और एंड में अब हम पिसा हुआ जीरा ऐड करेंगे, थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च, और सबसे एंड में हम चना चाट मसाला ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही चटपटी कटोरी चाट तैयार है। ज़रूर ट्राई करें इसको इस रमज़ान अफ्तार टाइम, और मुझसे फीडबैक भी लास्ट में शेयर करें कि आपकी चाट कैसी बनी है। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।